बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। दिस वीडियो इज़ अबाउट सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास सेवेंथ, चैप्टर नंबर वन, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रैकिया, एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इन टू द ट्रैकिया और विंड पाइप। आर विंड पाइप इज मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। दीज रिंग्स keep our windpipe open. Mucus and tiny hair in the trachea also filter the air. अब एयर जो है वो लेरिंग से गुजर कर पहुँचती है ट्रैकिया या विंड पाइप तक। हमारा विंड पाइप जो है वो सी शेप अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश का वर्ड है सी, उस तरह की शेप के रिंग्स होते हैं, उनसे बना हुआ है। और वो रिंग्स जो हैं वो कार्टिलेज से बने हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज स्टूडेंट्स एक नरम हड्डी है। ये ना तो मुकम्मल तौर पे एक ऑर्गन है और ना ही सॉलिड बोन है, ये एक नरम हड्डी है। और जो ये रिंग्स हैं सी शेप के, इनका मकसद क्या है? ये हमारे विंड पाइप को ओपन रखते हैं। अब हमारे विंड पाइप में मेकर्स और छोटे छोटे बाल होते हैं और इनका भी यही मकसद होता है जो पहले हम लोग नोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि वो हवा को मज़ीद फ़िल्टर करके, उसे साफ़ सुथरा करके हमारी बॉडी में पास करते हैं। द नेक्स्ट इज ब्रोंकी एंड लंग्स। द ट्रैकिया डिवाइड्स इंटू टू ब्रांचिज कॉल्ड ब्रोंकी, सिंगुलर ब्रोंक्स। ब्रोंकी कैरी एयर इंटू द लंग्स। अब जो ट्रैकिया है वो दो ब्रांचिज में डिवाइड होता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और अगर हम एक का नाम लेना चाहें तो हम कहते हैं ब्रोंकस। अब ब्रोंकाई क्या करते हैं? ब्रोंकाई एयर को, हवा को हमारे फेफड़ों तक, हमारे लंग्स तक लेके जाते हैं। आर लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे लंग्स जो हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अहम पार्ट है, अहम हिस्सा है। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। हर फेफड़े में, हर लंग में जो एक एक ब्रोंकस एंटर हो रहा था यानी ब्रोंकाई, वो अब मज़ीद छोटे ट्यूब्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई आर प्रेजेंट। अब हर ब्रोंक्यूल के एंड में यानी कि आखिरी सिरे पर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वोलाई के इर्द गिर्द होती हैं ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स। व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर एंटर्स द लंग्स एंड रीच द एल्वोलाई। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो जो हवा है वो हमारे नोज़, हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाइस से गुजर कर हमारे लंग्स में एंटर होती है और पहुंचती है कहाँ तक? हमारे एल्वोलाई तक। ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई इनटू द कैपिलरीज। अब हवा जो है, जैसा कि आपको पता है कि हवा है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और इस हवा में से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो ऑक्सीजन तो इर्द गिर्द ब्लड की कैपिलरीज हैं उन तक पहुंचती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आर बॉडी। इसके बाद कैपिलरीज में प्रेजेंट जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर सेल्स तक पहुँचा देती हैं। सेल इन आर बॉडी यूज ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को और ख़ुराक को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, और उसके बदले में पैदा करते हैं एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका आपको पता है कि हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, तो ये वापस हमारे लंग्स तक आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। और जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडे लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन डिस्कस विद मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, एंड आल्सो सब्सक्राइब GKS गुलशन नॉलेज हब। लाइक, कमेंट एंड शेयर। जजाकल्ला, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।